हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे कोर वीडियो में स्वागत है। अभी तक हम सोइल मैकेनिक्स में हैं। हमने लास्ट लेक्चर में वाटर कंटेंट, उससे पहले हम वॉइड रेशियो और पोरोसिटी सब देख चुके हैं। आज हम देखेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट और परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, और जो इनमें जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो भी देख लेंगे साथ में, ठीक है। और आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी हो आपको सोइल मैकेनिक्स को, वो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिसको हम बिग बड़े एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं हमारे, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारे वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसी को बस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। और इसकी जो रेंज होती है ना, हमारी होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अगर हमारी ड्राई सोइल होगी तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगी, क्योंकि ड्राई सोइल में पानी होगा नहीं बिल्कुल भी। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर 0 हो जाएगा, 0 बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हमारी ये ड्राई कंडीशन में हमारी एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हमारी 1 कब होगी, जब हमारी फुली सेचुरेटेड हो, मतलब पूरी तरह से वॉइड्स में वॉल्यूम ऑफ एयर बचे ही ना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर बचे ही ना, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड जब वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जब हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा 1 हो जाएगा। तो ये 1 भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। ये रेंज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इससे रिलेटेड एक टेबल भी है, वहां से भी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में, कॉम्पिटिशन में। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन अब डिफरेंट डिफरेंट रेंज में हमारी सॉइल क्या क्या दिखाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, ठीक है। तो अगर हमारी डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस की वैल्यू 0 होगी, तो हमारी वो कौन सी सॉइल होगी, वो हमारी होगी ड्राई सॉइल, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और अगर एस की वैल्यू 0 से 0.25 के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में, तो हमारी कौन सी सॉइल होगी, वो हमारी होगी ह्यूमिड सॉइल, ठीक है। ड्राई से थोड़ी सी मतलब वाटर कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, पानी की मात्रा मतलब बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज होती जाएगी, तो वैसे ऐसे उसकी सॉइल का नाम चेंज हो रहा है एक टाइप से, ठीक है, थोड़ी कंडीशन चेंज हो रही है उस हिसाब से, तो ह्यूमिड सॉइल बोल देते हैं उसे, ठीक है। और उसकी रेंज होगी 0.25 से 0.5, ये मतलब, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे फिर हमारे, वो हमारी डैम सॉइल है, ठीक है। और फिर उसकी वैल्यू और बढ़ेगी 0.5 से 0.75, तो उसको बोल देंगे मॉइस्ट, और 0.75 to 1 हो जाएगी, तो उसको हम वेट सॉइल बोल देते हैं, ठीक है, ये नाम हमें याद रखने हैं, ठीक है। और अगर वैल्यू 1 हो जाती है, फुली सेचुरेटेड सॉइल हो जाती है। तो इससे हम एक ट्रिक भी बता देता हूँ मैं थोड़ी सी, जिससे हम याद रख सकते हैं लाइन में, ठीक है। ये तो आसान है, ये तो एक दो बार पढ़ेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये कई बार उल्टा फुल्टा हो जाता है, भूल जाते हैं लोग, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक सी बनाई हुई है मैंने, ठीक है। सबका पहला वर्ड ले लेंगे, ठीक है, इसका डी ले लिया, इसका एच ले लिया, इसका डी और एम डब्ल्यू तक, ठीक है। ये तो फुली सेचुरेटेड आपको याद रहेगा 1, ठीक है, डी एच डी एम डब्ल्यू। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ये डीवीडी एच डी में वॉच, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ये डीवीडी एच डी में वॉच, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, डोरेमोन एच डी में वॉच, ठीक है, कार्टून्स देखते हो तो, ठीक है, तो डीवीडी एच डी में वॉच, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो ऐसे याद रखेंगे ना, तो बहुत सारी जो ट्रिक बनाएंगे तो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहते हैं, ठीक है, और कई चीज भूलते भी नहीं हम लाइफ टाइम, तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं इसको। और क्या, अब हमारा एयर कंटेंट, एयर कंटेंट भी आसान है, इसका फॉर्मूला भी हमने डिग्री ऑफ सेचुरेशन का पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ऐसी एयर कंटेंट का हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, सिंपल है। इसका भी एयर कंटेंट का एसी से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है। उसकी रेंज भी 0 से 1 के बीच में होती है, सिंपल। और एक रिलेशन भी है हमारा एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बीच में, वो क्या है, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन किसके इक्वल होते हैं, हमारे 1 के इक्वल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बहुत सारे एमसीक्यू और डिफरेंट डिफरेंट बड़े न्यूमेरिकल भी इससे हमारे सोल्व होते हैं,
तो बड़ा सिंपल है, इसको हम कैसे अगर चाहे तो हम अभी भी ड्राइव कर सकते हैं। एयर कंटेनर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड नीचे है तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा एक के इक्वल हो गया। सिंपल सी डेरिवेशन है इसकी, तो आप ऐसे याद रख लीजिए डायरेक्ट, आपको सिंपल है ये भी देख सकते हैं आप, इजी से आपको याद हो ही जाएगा, तो बड़ा ही सिंपल है। अब हमारा आता है परसेंटेज एयर वॉइड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे कम ही क्वेश्चन पूछते हैं पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो हम डिनोट करते हैं ना, इसको एन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ एयर हम इसमें विद रिस्पेक्ट टू लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, किसी भी सॉइल सैंपल की उसकी टोटल वॉल्यूम लेते हैं इसमें, ठीक है। बस एयर कंटेंट में हम क्या लेते थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसमें क्या लेते हैं टोटल वॉल्यूम, बस थोड़े थोड़े फर्क डिफरेंट से हमारे डिफरेंट डिफरेंट नए नए फॉर्मूले बन जाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। और इसकी रेंज में बस थोड़ा सा चेंज रहेगा क्योंकि यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आ गई ना उसकी वजह से, ये तो हमारा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकती है तो हमारी इसकी वैल्यू भी जीरो हो सकती है, और वन से लेस की होगी। अब हमारी जो वॉल्यूम ऑफ एयर है ना वो कभी भी हमारी टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, हमेशा टोटल वॉल्यूम बड़ी रहेगी, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर तो प्रेजेंट रहेगी ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होगी उसमें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी होगी, तो उसमें ये दो एक्स्ट्रा है तो हमेशा वो बड़ी रहेगी, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा वन से छोटी रहती है। और एक रिलेशन भी इनके बीच में, तो वो भी देख सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड का फॉर्मूला हमें पता है, वी बाय वी ए बाय वी, अभी हमने पढ़ा ही है, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिखेंगे, क्योंकि ये तो कट के वन ही हो जाना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई में। तो अभी हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा क्या होता है, वो होता हमारा एयर कंटेंट। अभी पढ़ा ना वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वो होता हमारा एयर कंटेंट। और हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वो क्या होता है हमारा पोरोसिटी, इसको हम एन से डिनोट करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड इक्वल्स टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट, तो ये हमारा एक रिलेशन बन जाता है छोटा सा, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। नहीं तो फॉर्मूले याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन और इनकी रेंज कितनी होती है, कॉम्पिटिशन में एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगले लेक्चर में हम और चीज़ें देखेंगे रिलेटेड सॉइल मैकेनिक्स से, और आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं।